हेलो एवरीवन, आप सबका फेवरेट स्टोरी टाइम आ गया है वापस। ये हुआ था मेरे साथ जुलाई 2019 में, जब मैंने मेरा गराज सेल पहली बार ऑनलाइन स्टार्ट किया था। ये था मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हेलीज गराज सेल, मैं डाल दूंगी नीचे, ऑल्दो वहाँ पे कुछ है नहीं अभी खास कंटेंट। तो गराज सेल मैंने शुरू किया था आई थिंक मई 2019 में, एंड उसका यूजुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी सामान आप यूज़ नहीं कर रहे उसको कम प्राइस में बेच देते हैं, तो जो खरीद रहा है उनको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और आप भी जो यूज़ नहीं कर रहे उसके बदले आपको पैसे मिल जाता है, तो यू नो यू कैन डू समथिंग गुड विद इट। तो मैंने किया मई में एक किया, फिर आई थिंक जून में एक किया और फिर जुलाई में ऑनलाइन किया। एंड ऑनलाइन का मैंने ये सिस्टम रखा था कि आपको जो चीज़ पसंद है आप मुझे डीएम करो पहले कि ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टॉक में है कि नहीं, एंड अगर स्टॉक में है तो आप मुझे पेमेंट कर दो एंड फिर मैं वो आपके लिए साइड पर रख दूंगी। एंड पेमेंट यूजुअली लोग पेटीएम से कर रहे थे, बहुत कम लोग नेट बैंकिंग से कर रहे थे, एंड मैं पेटीएम का स्क्रीनशॉट मांगती थी और फिर मैं वो ट्रांजैक्शन आईडी मेरे फ़ोन में चेक करती थी कि क्या दोनों मैच हो रहे हैं, सेम अमाउंट सेम टाइम। एंड ये मैंने किया कुछ पहले 20 ट्रांजैक्शंस तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई स्टॉप चेकिंग द स्क्रीनशॉट और मेरा फ़ोन, क्योंकि मुझे लगा अभी तक तो सब सही जा रहा है और ऐसे तो कौन स्कैम करेगा, मतलब फर्जी स्क्रीनशॉट बना के। लिटिल डिड आई नो, अच्छा ये दोनों लड़कों को नाम क्या दिया जाए, दो लड़के थे बाय द वे, आई डोंट वांट टू रिवील देयर रियल नेम्स, बट आई एम थिंकिंग कि रमेश एंड सुरेश विल बी वेरी नाइस बिकॉज देयर टू गाइज एंड दे वर ब्रदर्स एंड रमेश एंड सुरेश भी भाई भाई है। तो रमेश एंड सुरेश, ठीक है। तो पहले आया रमेश का डीएम कि मुझे ये बहुत पसंद है, कितने का है, एंड आई सेड जो है उस डिस्क्रिप्शन में। तो रमेश भाई ने मुझे भेजा एक स्क्रीनशॉट, ये पहली चीज़ थी उनकी कुछ 200-250 रुपए की। तो तब तक मैंने चेकिंग कर दिया था बंद, एंड आई थॉट कि हाँ सही लग रहा है सब, एकदम लेजिट है, वो ग्रीन टिक मार्क है एंड उनका अकाउंट बैलेंस 0.07 ऐसा कुछ था। तो मुझे लगा कि मैं सारे पैसे खर्च कर दिए, ऐसे जो भी पेटीएम में बाकी थे अकाउंट बैलेंस तो जीरो हो गया। तो आई वेरीफाइड दोज थिंग्स, पर मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने बोला हाँ योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म, और वो चीज़ को मैंने कर दिया आउट ऑफ स्टॉक और वो मैंने डाल दिया कि ये कस्टमर का ये चीज़ है अभी। फिर आते हैं उनके और 5 चीज़ों के ऑर्डर, और हर एक चीज़ कुछ 100-200 की थी। तो ऑर्डर टोटल आया 800-900 तक, उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा, वो भी मेरे को सही लगा, और उसका भी अकाउंट बैलेंस में जीरो बता रहा था कि आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। तो आई थॉट कि मे बी ये बार बार रिचार्ज कर रहे हैं सिर्फ उतने ही पैसे का जितना इनको खर्च करना है गराज सेल पे, ब्रांड का पेटीएम का नाम भी है, ग्रीन टिक वगैरह भी है। अगले दिन आता है उनका 25-30 हज़ार का ऑर्डर, एंड मैं एकदम खुश हो गई कि वाओ, मतलब कोई है जिनको हमारा कलेक्शन पसंद आ रहा है, जिनको वर्थ इट लग रहा है। एंड मैं सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक करते गई, एंड और मुझे रिक्वेस्ट आते गए कि हमें ये चीज़ चाहिए, बट आई वुड टेल द अदर कस्टमर कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, किसी और ने ले लिया। एंड मैं ब्लॉक करते गई। और थर्ड दिन रात को मैंने पेटीएम का अकाउंट बैलेंस टोटल चेक किया कि अभी तक कितना सेल्स हुआ है, एंड इट वॉज नॉट मैचिंग अप, क्योंकि उन्होंने खुद अकेले ने 25-30 हज़ार का ऑर्डर दिया था एंड वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा यार कि इतना बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कहीं तो होना चाहिए। फिर जब मैंने बैक ट्रैक करके क्रॉस चेक किया तभी मैंने देखा कि जो भी टाइम लिखा था ना उनके स्क्रीनशॉट में, वो टाइम पे मुझे किसी ने भी पैसे भेजे ही नहीं है। सपोज़ 2:08 उनके स्क्रीनशॉट में था, तो मेरे पेटीएम के समरी में 2:08 को पैसे आए ही नहीं है। ऐसे करके मैंने सारे ट्रांजैक्शन चेक किए, तब मालूम पड़ा कि ये फेक स्क्रीनशॉट्स थे। मेरी एक फ्रेंड है जो एथिकल हैकर है, मैंने उसको ये भेजा कि क्या ये लेजिट है, तो उसने बोला नहीं ये लेजिट तो नहीं है। एंड तब शुरू हुआ ये कंफ्यूजन कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको कहा कि यू हैव बिन कॉट, आपने पैसे नहीं भरे, तो मैं आपको 24 घंटे का टाइम देती हूँ, आप प्लीज़ पैसे भर दो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगा कि उनको खरीदना होगा। एट दैट टाइम आई डिडंट थिंक कि उनको बस फ्री का माल चाहिए था। तो तभी बोले नहीं नहीं भरे, डिफेंसिव हो गया पहले कि नहीं आप चेक करो हमने भरे हैं पैसे। मैंने बोला देखो मुझे मालूम है आपने फेक स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं अभी कोई एक्शन नहीं लूँगी अगर आप 24 घंटों में भर दोगे, वरना यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल आर फ्यूचर वेंचर्स, कि फ्यूचर में अगर हमने वेबसाइट निकाला या एक्चुअल फिजिकल गराज सेल किया हम आपको नहीं आने देंगे। तो उनको लगा कि हाँ ये तो बहुत छोटी कीमत है, ठीक है, दे लाइक हाँ ब्लॉक मी बट आई एम नॉट गोना पे यू, ऐसे मैसेज कर दिया। एंड देन दे आर मैसेजिंग कि वैसे भी आपने मेरे प्रोडक्ट्स को शिप कर दिए, अब तुम कर भी क्या लोगे, ऐसे जवाब दे रहे थे। तो आई सेड कि ये नहीं, प्रोडक्ट्स तो शिप नहीं हुए।
तो तब उनकी फट गई और उन्होंने ब्लॉक कर दिया. अनदर थिंग दैट रमेश हैड डन वॉज वो मुझे बहुत अजीब तरह के मैसेजेस भेजते थे. आई रियली लाइक योर पिंक चीक्स. पहली बार भेजा तब मैंने जाने दिया, सोचे कि कोई व्यूअर होंगे एंड कोई अच्छे इंटेंशन से बोल रहे होंगे, बस थोड़ा वर्ड में ऊपर नीचे हो गया होगा. फिर तीन बार और भेजा, आई रियली लाइक योर पिंक चीक्स एंड आई थिंक शायद एक आधा लिप्स पे भी कॉमेंट मारा था उन्होंने, तो बदतमीजी भी कर रहे थे थोड़ी बहुत. एंड जब पकड़े गए तभी तो ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने मुझे बाद में. तो उनका ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो मैंने वापस डाल दिया ऑनलाइन कि दीज थिंग्स आर बैक इन स्टॉक. फिर एक और जन का ऑर्डर था जो 25-30 हज़ार तक पहुँच रहा था एंड मेरे को इतना बड़ा धक्का लगा था रमेश से कि आई थॉट कि चल इनका भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ. एंड नसीब मैंने शिप करने के पहले क्रॉस चेक किया क्योंकि उनके भी सारे स्क्रीनशॉट्स थे फेक. एंड ओवर एंड ऑल ये मुझे मालूम पड़ा ऑलमोस्ट एंड वाले डे पे, तो जो भी सामान इन्होंने ब्लॉक कर रखा था मैं वो नहीं बेच पाई. एंड जब मैंने सुरेश को कन्फ्रंट किया, सुरेश इज़ द सेकेंड ऑर्डर, कि भाई आपने तो स्कैम किया है, तो उन्होंने बोला हाँ एक्चुअली मैंने सोचा बहुत कूल होगा क्योंकि मेरे भाई ने किया एंड वो तो निकल गया, उसका हो गया, आपने मान लिया उसका, बट सॉरी यार एंड किसिंग इमोजी. मैं इधर पागल हो रही हूँ कि ये क्या चल रहा है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई हम दोस्त बात नहीं कर रहे. एंड फिर बहुत सारे हार्ट्स भेजे जा रहे हैं कि सॉरी यार ऐसे करके हार्ट्स. एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया. फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप पब्लिक अपोलॉजी नहीं भेजोगे ना 24 घंटे में कि हाँ हमने ये स्कैम किया, हमने इतने हज़ारों के प्रोडक्ट्स मंगवाने की कोशिश की, वे सॉरी और हम कभी किसी भी ऑनलाइन स्टोर के साथ ऐसा स्कैम नहीं करेंगे, ये मुझे लिख के दो तो ही मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लूँगी वरना मैं लूँगी. तो वो मुझे भेजता है कि अच्छा मेरे भाई ना अभी कोई वेडिंग फंक्शन में गए फैमिली के, तो वो अभी फ्री नहीं है, वो शाम को फ्री होंगे ना तब मैं उनको पूछ के बताता हूँ. ये लोग मेरे को अलग लेवल पे फ्रेंड के जैसे ट्रीट कर रहे थे कि हाँ मतलब नहीं किया तो भी चलेगा, क्या कर लेगी ये वैसे भी. तो देन आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ उनके सारे फोटोज़, उनका बायो, उनका लाइक DP एंड एवरीथिंग. एंड मुझे मालूम पड़ गया वो कौन से स्कूल से, तो मैंने बोला कि सी आई हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, मैं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि आपने ऐसा साइबर ऑनलाइन क्राइम किया. तब जाके वो रमेश और सुरेश की फट गई. तो फिर रमेश भाई जिन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा था वो क्या करते थे मालूम है, मेरे को ब्लॉक कर देते थे, अनब्लॉक करते थे और मेरे मैसेजेस रीड करके वापस ब्लॉक कर देते थे, ऐसा गेम चालू था. तो फाइनली उन्होंने मैसेज भेजा कि प्लीज़ आप पुलिस एक्शन मत लो, मैं भेजता हूँ अपॉलोजी. एंड वो रिटन में चैट पे भेज दिया एंड वो भी बहुत अजीब था, मतलब उसमें कहीं सॉरी वॉरी तो था नहीं. तो आई टोल्ड हिम कि नहीं प्रॉपर लिख के भेजो, आई वॉन्ट टू पोस्ट इट कि ऐसा हुआ है हमारे साथ. इफ़ यू वॉन्ट आपके नेम्स छुपा लो बट एटलीस्ट लिख के दो यार कि यू हैव डन समथिंग लाइक दिस. एंड ही नेवर सेंट. एंड मैं उनको थ्रेटन करते गई कि मैं रिलीज़ कर दूंगी, आई विल पोस्ट योर अकाउंट नेम एंड योर फोटो कि यू आर द वंस हु स्कैम्ड मी. एंड द ओनली फियर आई हैव इज़ कि ये दोनों बच्चे हैं, आई थिंक एक ने कॉलेज पास कर लिया है, कॉलेज नहीं स्कूल ख़त्म कर लिया है, एक शायद अभी तक स्कूल में, लाइक आई नो द नेम सो आई डोंट नो कि वो कौन से स्टैंडर्ड में है, कि 11th 12th में है या 10th के नीचे है. बट उन्होंने स्टोरीज में अपने टेक्स्ट बुक का भी डाला था, लाइक हाईलाइट्स बना रखा था ना, मैं सब हाईलाइट्स देखे मैंने टू अंडरस्टैंड कि मैं किन के साथ डील कर रही हूँ, क्या बैकग्राउंड से आता है, क्या कर रहे हैं अभी. तो वो पढ़ाई कर रहे थे, तो अगर मैं एक्चुअली लीगल एक्शन लूँगी तो उनका फ्यूचर काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकता है, शायद उनको स्कूल से निकाला भी जा सकता है. तो आई डिड नॉट नो इन दैट मोमेंट कि मुझे क्या ये सही होगा करना क्योंकि काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा. तो मैंने अभी तक उनके नाम कहीं भी रिवील नहीं किए, मेरे पास अभी तक सारा प्रूफ पड़ा है, सारे स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पास लिखा हुआ प्रूफ है कि वो लोग ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्होंने फेक स्क्रीनशॉट्स बनाए हैं. एंड आई डू थिंक कि इस पे केस बन सकता है क्योंकि फेक स्क्रीनशॉट बनाना स्पेशली पेमेंट का गलत है, आप किसी को भी स्कैम कर सकते हो ऐसे. आप मुझे बताओ व्हाट शुड बी डन. आई डोंट थिंक मेरी इच्छा है उनका नाम रिवील करने की, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये बच्चे आगे जाके ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अगर अभी से इनको मजाक लगता है किसी को इतना ज़्यादा बड़ा स्कैम करना, आगे जाके ये लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी नाइस सोल्यूशन जिससे हम ऐसा एग्जीक्यूट कर सके तो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में. बट हम बच गए, हमारे प्रोडक्ट शिप तो नहीं हुए थे, थोड़ा बहुत लॉस हो गया क्योंकि वो किसी और को बेच सकते थे, बट इट्स फाइन, एटलीस्ट हमने इनको शिप तो नहीं कर दिया था प्रोडक्ट, बाल बाल बचे. लेट मी नो अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है जिसमें आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है
एंड आपके स्टोरीज भी बता देना कमेंट सेक्शन में. एंड अगर आपको ये वाला स्टोरी टाइम सुनने में मजा आया तो दैट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय.